तो गाइस आज हम सब फैमिली मेंबर्स मिलके जा रहे हैं बरगी डैम। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बरगी और ये बरगी का रास्ता है। तो यदि आप लोग भी कभी आए विजिट करें बरगी डैम को, आगे हमारे ब्लॉग में आपको दिखेगा आप लोकेशन पे, लोग गूगल पे लोकेट करके आप आ सकते हैं बरगी डैम रोड और रास्ते। इस समय बारिश होने की वजह से और भी ज्यादा खूबसूरत हो चुके हैं। देखिए क्या मस्त ही हरियाली हो चुकी है चारों तरफ। ये हमारे जीजा जी, इनसे तो आप पहले ही मिल चुके हैं। ये पूनम दीदी, ये हमारे ब्लॉग में आज पहली बार देख रही है, और इनके पीछे उनकी लड़की हीर, और इनको तो आप जानते ही हैं स्पेशली स्टाइलिश हमारी बहन। ये भी कम स्टाइलिश नहीं है, दोनों बहने बहने लग रही है, सगी बहने। और पीछे हमारी मम्मी बैठी हुई है, और वो भाई, और ये इस बंदर को तो आप जानते ही हैं, हितांश दतलानी, हमारा प्यारा प्यारा भांजा, और एक हमारा प्यारा भांजा ये है। हमने बताया था ना दूसरी कार में बैठे हुए हैं, ये हमारी दादी, ये हमारे हेमल जी जी, और ये गुड्डी चाची। हमारे जीजा जी बहुत ही सीरियस मूड में कार चला रहे हैं। गाइस देखिए बरगी आ गया। गाइस अभी बरगी आया नहीं है, ये पकड़ा है, लेकिन व्यू देखिए आप, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ रास्ते का। और इसी रोड पर पड़ता है गाइस रानी दुर्गावती समाधि स्थल, जो अभी आगे आने वाला है। रानी दुर्गावती जी का जो समाधि स्थल है, काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस है वो भी जबलपुर का, और उसका भी अपना एक अलग ही मजा है। देखो क्या मस्त ही रोड हो रखी है यहाँ की, और एक घर की बातें चल रही है। गाइस ये है रानी दुर्गावती का समाधि स्थल, आप देख सकते हैं ये पूरा, यही इसी को बोला जाता है। ये भी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, उनकी एक मूर्ति भी बनी हुई है बीच में, और पेड़ भी आप पीछे देख सकते हैं। क्या मस्त ही नज़ारा है यहाँ का, मस्त जंगल भी है यहाँ पर। गाइस देखिए ये है मेन बरगी डैम, ये है उसके गेट पूरे, और देखो क्या मस्त ही व्यू। जब इसके गेट खुलते हैं, जब पानी फ्लो का ज़्यादा होता है, पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, तब ये बहुत ही अच्छा और मस्त लगने वाला है। ये पुल के ऊपर से भी पानी जाता है जब इसके पूरे गेट खुलते हैं, और यहीं से पानी जाता है फेमस टूरिस्ट स्पॉट में भेड़ाघाट, गौरी घाट में और तलवारा घाट में, यहीं से पूरा पानी जाता है। हम और हमारी फैमिली आए हैं, हम लोग दोनों कार लेके आए हैं, चाचा, हमारी सिस्टर, और कुछ कुछ मरीन ड्राइव के जैसा व्यू आ रहा है। तो गाइस यही है वो लड़की जिसने क्रूज का डीजे अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रखा हुआ है, और तो गाइस सिर्फ आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, बिकॉज बहुत ही ज्यादा। तो गाइस अभी हमारा खाना आ चुका है, अब हम यहीं पर रेस्टोरेंट में ही बैठ के पूरा खाना खाएंगे। आपसे अगले ब्लॉग में, यदि आपको आज का मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।